पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए जो अभी चुनाव हुए उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसमें मेनली जो पार्टी लीडर्स थे या पार्टी थी उसमें नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, इमरान खान की पार्टी PTI और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP, ये तीन मुख्य रूप से कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री पद के। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर रिजल्ट आया है उसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी, पाकिस्तान में जो नई पार्टी आएगी, जो वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, उसका भारतीय राजनीति पर या भारत के साथ किस प्रकार का संबंध होगा वर्ष 2024 यानी कि इसी वर्ष अप्रैल मई में हिंदुस्तान के अंदर भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब आज मैं भविष्यवाणी आपको करने वाला हूं। दोस्तों, ज्योतिष में मैदिनीय ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्योंकि दोनों की सीमाएं मिलती हैं, पहले दोनों देश एक ही हुआ करते थे, इसलिए मैदिनीय ज्योतिष में पाकिस्तान का भारत की राजनीति में बहुत बड़ा रोल रहता है और आने वाले समय में भी रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो रिजल्ट्स आया है उसमें जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि समर्थन मिला है या मतलब सीटें मिली हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। खासतौर से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको ज्यादातर सीटें मिली हैं। लेकिन यदि हम बात करें क्या इमरान खान या फिर उनके समर्थित कोई भरोसेमंद व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का माहौल है और वहां की सेना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मैं कहूंगा कि खफा है या उनके विरोध में है, तो निश्चित रूप से इमरान खान का मनपसंद प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाला। इसी के साथ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों मिलकर इमरान खान के जो समर्थित सदस्य आए हैं अपने में मिलाकर गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं और वो जो सरकार होगी वो पाकिस्तान की सेना की भी मैं कहूं मनपसंद होगी, जिससे कि आने वाले समय में भारत के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको प्रभावित कर सके और उससे भी आगे भारत के साथ उसमें जो भी उनकी मुहिम चलती है या जिस प्रकार से उनका मैं कहूंगा कि रणनीति रहती है भारत के साथ उसको सुचारू रूप से चला सके, इसलिए पाकिस्तान में
जो सरकार बनेगी वहां पर इन तीन पार्टियों का तो केवल मैं कहूंगा कि नाम होगा, लेकिन सरकार जो बनेगी सेना के समर्थन से बनेगी, और वो जो सरकार बनने वाली है, मेरी भविष्यवाणी या जो ग्रह दशा गोचर पाकिस्तान और साथ के साथ भारत सरकार के भी लगते हैं, वो बिलावल भुट्टो या फिर उनके समर्थन के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और देश को जो सरकार मिलेगी, यानी पाकिस्तान को जो सरकार मिलने वाली है, वो मैं कहूंगा कि एक स्थायी सरकार नहीं मिलेगी, कुछ समय के बाद ये सरकार गिरा दी जाएगी और दोबारा वहां पर चुनाव होगा। ये तो मैंने पाकिस्तान की बात, क्या भारत के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा? तो मैं कहूंगा निश्चित रूप से पाकिस्तान में जो सरकार बनेगी उससे भारत पर बहुत ही मैं कहूंगा कि प्रभाव पड़ने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो कि मेन मतलब यहां पर पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो पिछले 10 वर्षों से सरकार भी है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो मैं कहूंगा कि एनडीए काफी मजबूत होकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। दोस्तों, हमने ज्योतिष के आधार पर, मैदिनीय ज्योतिष के आधार पर विशेष रूप से यहां पर ये वीडियो बनाई है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में क्या सरकार परमानेंट होगी, यानी कि पूरा कार्यकाल पूरा करेगी? कौन वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा? भारत सरकार के साथ उसका किस प्रकार की व्यवहार रहेगा या रणनीति रहेगी? दूसरी ओर क्या भारत के ऊपर इसका असर होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें और ये भी बताएं, जैसा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार की यहां पर भविष्यवाणी की है, आपको क्या लगता है देश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आप अपने बारे में ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल शेयर करें, और आपकी जो भी जानकारी है, जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है, उसको भी लिखें। आपकी बर्थ डिटेल के आधार पर हमारी टीम आपकी समस्या का समाधान बताएगी। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।